हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। क्रिकेट में एक कहावत बड़ी मशहूर है कि पकड़ो कैच जीतो मैच। एक ऐसा ही मैच जीतने वाला हैरतअंगेज कैच न्यूजीलैंड में खेले जा रहे सुपर स्मैश में दो खिलाड़ियों ने आपसी तालमेल से पकड़ा है। ये कैच अलग था, कमाल था, दिलचस्प भी था और उतना ही लाजवाब भी। ऐसे कैच यदा कदा ही क्रिकेट में देखने को मिलते हैं। कैच पकड़ने वाले उस खिलाड़ी जोड़ी का नाम मिचेल और ब्लैक कॉर्बन था। टूर्नामेंट में मुकाबला सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट और कैंटरबरी के बीच था। इसी मुकाबले में सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के बल्लेबाजी के दौरान कैंटरबरी गेंद दो फील्डर्स ने वो कैच लपका। आठवें ओवर की चौथी गेंद पर बेन स्मिथ ने टॉड एसल्स ने करारा प्रहार किया। गेंद हवा में लहराते हुए सीमा रेखा यानी कि बाउंड्री की ओर गई, लेकिन जहां 6 रन मिलने चाहिए थे वहां बेन स्मिथ के डग आउट लौटने का टिकट कट गया। किसी को जिसका अंदाजा भी नहीं था मैच पर कुछ ऐसा देखने को मिला। कैंटरबरी ने फील्डर ब्लैक कॉर्बन ने हवा में छलांग लगाते हुए गेंद को बाउंड्री के पार जाने से पहले लपका और फिर जब उन्हें लगा कि वो कंट्रोल में नहीं है और बाउंड्री के पार गिरने वाले हैं तो उन्होंने गेंद को पास ही खड़े अपने साथी खिलाड़ी मिचेल हैं और उसको फेंक दिया। इस तरह बेन स्मिथ का विकेट लेने में सफलता मिली। तो गाइस, ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।